नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका एस्ट्रो तक पे। मैं हूँ श्रुति द्विवेदी। आज मैं बात करूंगी शनि देव जो कि वक्री चल रहे थे 142 दिन से, अब मार्गी होने जा रहे हैं। शनि मार्ग यानी शनिदेव की बदली चाल से कैसे आपकी किस्मत बदलेगी। यूँ तो कहा जाता है कि शनिदेव क्रूर ग्रह हैं और क्रूर ग्रह का वक्री होना कहीं ना कहीं शुभ फलदायक होता है, लेकिन कई लोगों के जीवन में देखा होगा कि होते होते काम अटक जा रहे हैं, होते होते किस्मत जो है साथ नहीं दे रही है। ऐसे में 18 सितंबर 2019 को दोपहर 2:08 गुरुवार के दिन शनि ग्रह वक्री से मार्गी हो रहे हैं। वक्री अवस्था में शनि अधिकांश राशियों को नेगेटिव रूप से प्रभावित कर रहे थे। इस प्रभाव के कारण कामों में अड़चनें और बाधाएं बराबर इनकी तरफ से मिल रही थी, लेकिन 18 सितंबर से धनु राशि में शनि की चाल बदलने और उनके वक्री से मार्गी हो जाने से अधिकांश राशियों के लिए बंद रास्ते खुलते नजर आएंगे। तो चलिए जान लेते हैं शनिदेव की बदली चाल से आपकी किस्मत की क्या करवट ले रही है। शनि के मार्गी चाल का असर आपकी राशि पर क्या होगा, चलिए जान लेते हैं राशियों के हिसाब से। ये चंद्र राशियों पर आधारित है। मेष राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव लटके हुए कार्यों को सिरे चढ़ाने का यानी कि पूर्णतः करने का काम कर सकते हैं और कामकाजी जीवन में तेजी की उम्मीद इस समय कर सकते हैं। भाग्य का भी पूरा पूरा साथ मिलेगा आपको। दरअसल कर्म फल प्रदाता शनिदेव आपकी राशि में भाग्य स्थान में वक्री से मार्गी हो रहे हैं। उस समय आपको अपनी क्षमता के अनुसार लाभ मिल सकता है। अपने कंपेटिटर्स, अपने पार्टनर्स, विपक्षी विरोधियों पर भी आप हावी रह सकते हैं। राजनीति से जुड़े जातकों के लिए तो ये समय शानदार कहा जा सकता है। वहीं आपको अपने पार्टनर का पूरा पूरा सहयोग मिलेगा। आपकी लक के द्वारा आपके पार्टनर के जीवन में ग्रोथ आपको नजर आएगी। चलिए जानते हैं वृषभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा ये समय। आपकी राशि से अष्टम भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं जो कि आपके लिए यात्राओं के योग बना रहा है। धन वृद्धि के संकेत भी अष्टम शनि आपके लिए कर रहे हैं। यदि कहीं पर आपका पैसा फंसा हुआ है तो प्रयासरत रहें, इस समय वह निकल सकता है। कार्यस्थल पर आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। रोमांटिक जीवन की बात करें तो शनि आपके जीवन में प्यार की बहार भी लेकर आ सकते हैं। आप इस समय किसी के प्रति अपने इंटरेस्ट को इजहार कर सकते हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है ड्राइविंग के मामले में, वाहन मशीनरी के मामले में आपको परेशानी हो सकती है। कोई रोग बहुत दिनों से परेशान कर रहा था तो उभर सकता है, और यदि कोई शत्रु परेशान कर रहा था तो इस समय आपको शांत होता हुआ नजर आएगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है मेनली आपके फाइनेंसेस को लेकर। लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप काम ठीक करेंगे, डायरेक्शन ठीक रहेगा और फोकस्ड रहेंगे। चलिए जान लेते हैं मिथुन राशि वालों के लिए शनिदेव के चाल सप्तम भाव में बदल रहे। सप्तम यानी कि रिलेशनशिप, पार्टनरशिप्स का भाव होता है। वक्री शनि के कारण फैमिली लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में आपको जिन परेशानियों का इन दिनों सामना करना पड़ रहा था उसमें आपको राहत मिल सकती है। लाइफ पार्टनर की किसी उपलब्धि को लेकर आप गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। लाइफ पार्टनर से संबंधित लोग भी आपके लिए लाभकारी रह सकते हैं। भाग्य का भी आपको पूरा पूरा सहयोग मिलने के संकेत शनिदेव कर रहे हैं। आपके लिए समय पिछले समय से चली आ रही किसी बड़ी परेशानी से निजात पाने का भी है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ नई गाड़ी खरीदना हो, कार के रिपेयर्स कराने हो, कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स की आपको परेशानी चल रही हो तो वो भी दूर हो रही है। लेकिन हाँ, अपने ऊपर थोड़ा सा आराम बरतें, बहुत ज़्यादा हार्श ना हो। और एक चीज़ का और ध्यान रखना है, आपको खुद का मकान बनाने की सोच रहे हैं तो वो काम आपको पूरा पूरा होता हुआ नजर आएगा। चलिए जानते हैं कर्क राशि वालों के लिए। कर्क राशि वालों के लिए शनिदेव की चाल छठे स्थान में बदल रही है जो कि आपके लिए रोग और शत्रु का घर कहा जाता है। प्रतिस्पर्धियों के ओर से आपको जो चुनौतियां मिल रही थी उनमें कमी आने की उम्मीद कर सकते हैं। आप देखेंगे कि आपके विरोधी अब एकदम शांत हो गए हैं। स्वास्थ्य के स्तर पर भी आपको लाभ मिल सकता है। छोटी मोटी यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती हैं। वहीं आपको ध्यान रखना है कामकाज के लिए होने वाली यात्राएं लाभकारी रहेंगी। अतीत में किसी इन्वेस्टमेंट से लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। इस समय आप अपने क्षमता अनुसार उचित सम्मान के हकदार भी हो सकते हैं। और वहीं कहीं पिता तुल्य व्यक्ति का इन्वेस्टमेंट हो, कहीं ना कहीं पैतृक संपत्ति की प्राप्ति के भी योग नजर आ रहे हैं आपके लिए कर्क राशि वालों। वहीं आपको ये ध्यान रखना है पब्लिक लाइफ आपकी अच्छी रहेगी, सपोर्ट सिस्टम कहीं ना कहीं आपका गड़बड़ा सकता है। चलिए जान लेते हैं अब सिंह राशि वालों के लिए। आपकी राशि में पंचम भाव में शनि मार्गी हो रहे हैं। शनि की बदली चाल से आपकी रोमांटिक लाइफ में एक नई ताजगी, रिश्तों में एक नई महक आएगी। हाल ही में अपने पार्टनर के साथ किसी बात को लेकर मनमुटाव हुआ है तो इस समय आप एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। जो जातक अभी तक किसी के लव रिलेशनशिप्स में नहीं है और उनके लिए उचित उम्र भी है, उनके लिए भी ये समय नए अवसर लेकर आ सकता है। संतान पक्ष की ओर से भी आपको
खुशखबरी मिल सकती है। विद्या में आपका मन लगेगा, खासकर जिन लोगों का पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था इतने दिनों से, वो स्टूडेंट्स फोकस होकर पढ़ाई करेंगे। जो जातक संतान प्राप्ति की कामना रखते हैं उनकी मुराद इस समय पूरी हो सकती है। स्टूडेंट्स के लिए भी ये समय बहुत बढ़िया परिणाम लेकर आने वाला है। लाभ प्राप्ति के नए साधन भी आपको मिलेंगे। इस समय आप तलाश सकते हैं अपने प्रॉफिटेबल ऑप्शंस। हाल ही यदि भविष्य के लिए कुछ धन बचत करने में आपको परेशानी हुई है तो इस समय आप आसानी से बचत कर सकते हैं। वहीं आप देखेंगे कि भाग्य आपका साथ दे रहा है और एंसेस्ट्रल गेन्स भी आपको मिलेंगे। आगे बढ़ने के लिए समय आपका बहुत बढ़िया रहेगा। पार्टनरशिप रिलेशनशिप आपकी बहुत अच्छी रहेगी और ओवरऑल आपको धन से जुड़ी हुई कहीं समस्या है दूर होगी। खाने पीने का बस ध्यान रखना पड़ेगा। चलिए जान लेते हैं कन्या राशि वालों के लिए शनि की चाल क्या करेगी। कन्या राशि से सुख भाव में बदल रही है। चौथे स्थान में शनि के मार्गी होने से आपके लिए समय सुख सुविधाओं में वृद्धि के संकेत कर रहा है। माँ का स्वास्थ्य लेकिन आपको ध्यान रखना है, माता का स्वास्थ्य कमज़ोर हो सकता है और उसी से जुड़ी हुई कई परेशानियों का सामना करना पड़ा है आपको हाल फिलहाल में, तो इस समय आपको राहत मिल सकती है। भौतिक संसाधनों का भी पूरा सुख आपको मिल सकता है। इस समय आप अपने विरोधियों को करारा जवाब देने में सक्षम रहेंगे। नौकरी में व्यवसाय करने वाले जातकों के लिए जो कार्य उन्नति के आसार हैं वो भी पूरे होंगे। खुद के स्वास्थ्य भी आपको बेहतर होने का जो है फल मिलेगा, शनिदेव बना रहे हैं। वहीं आपको थोड़ा सा फोकस होके चलना है। कन्या राशि वालों, कोई पुराना लोन है उसे चुकाने का प्रयास करें, कोई कंपेटिटर है तो वो शांत हो जाएंगे और यात्राएं आपकी बढ़ेंगी। अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा सा आपको एक्टिव होना पड़ेगा, कहीं ना कहीं आप अकेलापन भी महसूस कर सकते हैं। तुला राशि वालों के लिए शनि तृतीय स्थान में मार्गी हो रहे हैं। आपका पराक्रम काफ़ी मजबूत रहेगा जिससे परिणाम स्वरूप कार्यस्थल पर आपके प्रदर्शन में भी आश्चर्यजनक परिवर्तन देखा जा सकता है। इस समय आप अपने सीनियर्स हायर अथॉरिटीज़ की नज़र में आ सकते हैं जिससे कि आपकी तरक्की के रास्ते खुलते हुए नजर आएंगे। जो विवाहित जातक लंबे समय में से संतान प्राप्ति को लेकर प्रयासरत है लेकिन अभी तक मायूसी हाथ लगी है, इस समय शनिदेव उनकी मुराद पूरी करने के योग बना रहे हैं। हालांकि जो लोग अनमैरिड हैं उनके लिए रोमांटिक लाइफ में कहीं ना कहीं चेंजेस आ सकते हैं, उतार चढ़ाव का भी सामना करना पड़ सकता है। बहुत मेहनत का फल आपको मिल सकता है, भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। आपके लिए सलाह यह है कि अनावश्यक खर्चों से बचने का प्रयास करें और साथ ही साथ आपको ये ध्यान रखना है कि बिना मेहनत के आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। चलिए जान लेते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनि दूसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं। वृश्चिक राशि वालों की जाते भी साढ़े साती भी है। धन भाव में शनि की बदली चाल आपके लिए धन प्राप्ति के नए रास्ते खोल सकती है। पैतृक संपत्ति से मिलने लाभ वाले लाभ में किसी तरह के विलंब का सामना करना पड़ा है अभी तक, तो शनि आपके इंतजार को खत्म कर सकते हैं। भौतिक सुख संसाधनों में वृद्धि के योग शनि बना रहे हैं। यात्राएं भी आपके लिए लाभकारी रहने के आसार नजर आ रहे हैं। वहीं यदि आप देखें तो खुद का मकान बनने के योग नजर आ रहे हैं। मदर के हेल्थ का लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, वहीं कहीं परेशानी हो सकती है, उनके साथ संबंधों में परेशानी हो सकती है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और घर को लेकर आपकी चिंताएँ जो अभी तक चल रही थी वो पूरी होती हुई आपको नजर आएंगी। चलिए जान लेते हैं धनुराशि वालों के लिए। शनि आपकी ही राशि में मार्गी हो रहे हैं और धनुराशि वालों अभी चल रही है आपकी साढ़ी साती का पीक और उसमें बैठे हुए हैं अभी केतु और दृष्टि है राहु की। कई दिनों से स्वास्थ्य को लेकर किसी परेशानी से दो चार होना पड़ा है तो इस समय उसमें लाभ मिल सकता है। भाई बहनों का पूरा सहयोग आपको मिलेगा। रोमांटिक लाइफ की बात करें तो उसमें आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। पार्टनर के साथ आपके रिश्ते मधुर हो सकते हैं। विवाहित जातकों का भी अपने साथी पर विश्वास बढ़ेगा। अगर वर्कवाइज देखा जाए तो कार्यक्षेत्र में आपको मार्गी शनि आपके लिए उन्नति के योग बना रहा है। आपके जो बंद रास्ते हैं वो खुले होते हुए नजर आ रहे हैं और आपकी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत बढ़िया चलेगा। चलिए अब जान लेते हैं मकर राशि वालों के लिए। मकर राशि वालों, शनि आपकी राशि के स्वामी भी हैं जो कि आपकी राशि से 12वें स्थान में वक्री से मार्गी हो रहे हैं और साथ ही साथ आपकी राशि पे शनिदेव की साढ़े साती का फर्स्ट इफेक्ट चल रहा है, यानी कि प्रथम पड़ाव चल रहा है जो कि जनवरी 24 2020 तक रहेगा। इस समय अतीत में किए किसी इन्वेस्टमेंट से अचानक आपको धन लाभ मिल सकता है। जो जातक अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को बेहतर बनाने में भविष्य के लिए कुछ करना चाहते थे और कहीं ना कहीं सेविंग्स करना चाहते थे, कुछ राशि बचाने की सोच रहे थे जिसमें उनको चाहने पर भी सफलता नहीं मिल रही थी, उनके लिए बहुत अच्छी बात यह है कि शनि आपकी जमा पूंजी में वृद्धि के संकेत कर रहे हैं। बचत की योजनाओं को सिरे चढ़ा सकते हैं, पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। विरोधियों द्वारा आपके रास्ते में जो बाधाएं खड़ी की जा रही थी आप देखेंगे कि उनसे भी आप आसानी से पार हो रहे हैं।
अपने कंपेटिटर्स पर आप इस समय हावी रह सकते हैं। भाग्य का साथ आपको मिलने के आसार नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ धार्मिक स्थानों की यात्राएं नजर आ रही हैं। कुंभ राशि वालों, कर्म फलदाता शनि कुंभ राशि का भी प्रतिनिधित्व करते हैं। लाभ घर में शनि के वक्री रहने से हो सकता है आपको अभी तक अपेक्षित लाभ से वंचित रहना पड़ा हो, लेकिन मार्गी शनि से स्थिति में परिवर्तन होगा और आपके लिए लंबे समय से जिस लाभ के मिलने की अपेक्षा थी वो मिल सकती है। जो जातक किसी नए व्यवसाय या फिर कोई नई नौकरी करने की इच्छा रखते हैं उनके लिए भी शनि की मार्गी चाल लाभकारी रह सकती है। स्वास्थ्य का लाभ भी आपको मिलेगा, रोमांटिक लाइफ में भी रिश्ते मधुर रहेंगे, यात्राओं के योग भी आपके लिए बनेंगे जिनके लाभकारी रहने की उम्मीद कर सकते हैं। संतान पक्ष से आपको लाभ मिलेगा और ओवरऑल यदि आप कुछ सीखना चाहते हैं तो वो भी आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। टोटल आपके लिए ग्रोथ का समय नज़र आ रहा है, लेकिन हाँ आलस से कम करेंगे इस समय पर। मीन राशि वालों के लिए शनि कर्म भाव में मार्गी हो रहे हैं। कामकाजी जीवन में पेश आ रही परेशानियों से निजात मिल सकता है। लंबित कार्यों के बनने के योग भी बन रहे हैं, शनि प्रशस्त करेंगे। वक्री शनि के कारण हो सकता है आप पर काम का दबाव कुछ ज़्यादा हो रहा हो तो उससे भी आपको इस समय राहत मिलेगी। रिस्क वाले क्षेत्र में धन इन्वेस्टमेंट करने का जोखिम भी उठा सकते हैं। मदर से भी आपको अनुकूल सहयोग मिलेगा। वैवाहिक जीवन में दाम्पत्य जीवन में भी रिश्ते मधुर होने के आसार आ रहे हैं और वहीं यदि आप जॉब चेंज के लिए ट्राई करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं करियर के बदलाव के लिए ट्राई करना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसी खास बातें लेकर आऊँगी मैं श्रुति द्विवेदी केवल एस्ट्रो तक पर। नमस्कार।